इसके कंस्ट्रक्शन में कांग्रेस के राज में इतनी बड़ी धांधली हुई है। इसके बेसिक डिज़ाइन को लेकर हम देखें तो उसको बिल्कुल, जबकि ज़मीन बहुत थी एंड पहाड़ के साथ लगा कर 2014 के बाद आप देखोगे यहाँ से विधायक भी बने दूसरी पार्टी के, लेकिन उनका कभी ये इरादा नहीं रहा कि ये मेडिकल कॉलेज। इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम कांग्रेस के राज में जब ठेके दिए गए तो ना इसकी अंडरग्राउंड केबलिंग हुई, ना इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई चालू हुई, ना इस अंदर वो हुआ। और निर्माण कार्यों में इससे सैकड़ों करोड़ रुपए का घपला हुआ कि उसे दोबारा सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की 9 साल में उन कामों को दोबारा कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाई। 2014-19 के बीच में यहाँ से जो स्थानीय विधायक थे उन्होंने इसको ऐसा सोचा कि उसमें बीजेपी के साथ मिली भगत होकर उसकी बर्बाद हो। 2019 में हमने जब विधायक बने और आप देख सकते हो कोई विधानसभा सत्र कोई ऐसा मतलब मौका हमने नहीं गंवाया कि जब मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा के लिए और उसके प्रति इनके नज़रिए की पोल न खोली हो। यहाँ तक कि हमने अपनी जनता के साथ मिलकर एक दिन का तपती गर्मी में धरना दिया था। जब यहाँ पर वेंटिलेटर्स में यहाँ पर थे लेकिन उनको चलाने वाले नहीं थे तो हमारे आदरणीय उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री आज देश के ऊर्जा मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने रातों रात या वेंटिलेटर भिजवाए और उनको चलाने वालों का भी इंतजाम। इसी तरह बार बार जरूरत पड़ने पर यहाँ डॉक्टर्स की भी कमी को पूरा करने की। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इस बात के लिए अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते कि उन्होंने इस बाबत कभी कोई बात उठाई हो। हाँ, वेंटिलेटर जरूर यहाँ से उठवा के जब जरूरत पड़ी कोरोना काल में रेवाड़ी के लिए ले गए, ये तो काम किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार की नीति और नियत इसके मामले में स्पष्ट है और यह आज भी मुद्दा है। और आज हम आपके माध्यम से कह रहे हैं आने वाला विधानसभा चुनाव होगा, यही मेडिकल कॉलेज होगा और इसी मेडिकल कॉलेज में तमाम तरह की सुविधाएँ आमजन को, गरीबों को और हर तरह का डॉक्टर, ये नहीं कि रेफरल हॉस्पिटल बना दिया जाए। चाहे सुविधाओं की कमी है क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि शहीद राजा हसन खां मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज की को लेकर तो सबसे पहला सवाल है उसकी कंस्ट्रक्शन। इसके कंस्ट्रक्शन में कांग्रेस के राज में इतनी बड़ी धांधली हुई, चाहे इसके बेसिक डिज़ाइन को लेकर हम देखें तो उसको बिल्कुल, जबकि ज़मीन बहुत थी एंड पहाड़ के साथ लगा के बनाया। आज जब भी हवा चलती है तो जिस तरह के भी उसमें शीशे लगे हैं सारे टूट जाते हैं। इसकी परिस्थितियां निर्माण से ही ख़राब रही हैं। दूसरी बात, आपने खुद देखा होगा कि इसके अंदर ना आज तक इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम कांग्रेस के राज में जब ठेके दिए गए तो ना इसकी अंडरग्राउंड केबलिंग हुई, ना इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई चालू हुई, ना इसके अंदर वो हुआ। और निर्माण कार्यों में इतने सैकड़ों करोड़ रुपए का घपला हुआ कि उसे दोबारा सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की 9 साल में उन कामों को दोबारा कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कोशिश की है कि भाई इसकी सुविधाएं दी जाएं, जैसे कि कोविड में जब यहाँ पर वेंटिलेटर्स में यहाँ पर थे लेकिन उनको चलाने वाले नहीं थे तो हमारे आदरणीय उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री आज देश के ऊर्जा मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने रातों रात या वेंटिलेटर भिजवाए और उनको चलाने वालों का भी इंतजाम किया। इसी तरह बार बार ज़रूरत पड़ने पर यहाँ डॉक्टर्स की भी कमी को पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन आज MBBS के फील्ड में तो आप देखेंगे कि मेवात में चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो चाहे अस्पतालों की बात हो, MBBS डॉक्टर्स की कोई सीट खाली नहीं है। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने भर दी हैं। पहली बार हुआ है जहाँ 30-30% डॉक्टर होते थे, आज पूरे 100% MBBS डॉक्टर्स हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, जो MD और DM की बात है, वो मेडिकल कॉलेज नुहू में ही नहीं, चाहे आप कल्पना मेडिकल कॉलेज में देखें, चाहे आप PGI रोहतक में देखें, आज देश के अंदर इतनी कमी हो गई है कि कहीं पर भी डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे। और उनकी कमी चाहे हम गायनी में देखें, चाहे हम न्यूरो सर्जरी के अंदर देखें, हार्ट के डॉक्टर्स देखें, तो इनकी सरकारी क्षेत्र में बहुत कमी है। और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल कॉलेजेस की फैसिलिटी को कि बने, उनको 5 गुना आज मेडिकल कॉलेज इस पिछले 5 साल में बने हैं और DM की MD की सीटें भी बढ़ाई हैं। तो और उसके लिए सरकार प्रयासरत है कि यहाँ सारी सुविधाएँ हों और जल्दी ये सुविधाएं यहाँ पर होंगी।
ये देगी, इसकी जो दशा है सुधारने का काम करेंगे, सड़क से और विधानसभा तक आपने लड़ाई लड़ी, इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ी सोच थी कि जिस इलाके में डॉक्टर नौकरी नहीं करना पसंद करते थे और एक मुद्दा होता था कि महिला डॉक्टर पूरे ज़िले में एक आदमी नहीं होती थी, चाहे वो ज़िला गुड़गांव का हिस्सा था या उसके बाद की बात है। मैं समझता हूँ ये हमारे नेताओं की सोच थी, सोनिया गांधी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात के लिए, सरदार मनमोहन सिंह, जयपाल रेड्डी जी इस बात के लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 1966 से रोहतक मेडिकल कॉलेज, जो हरियाणा के वजूद में आने के पहले से मेडिकल कॉलेज था, उसके बाद 2009 में इस शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज को बनाने का केंद्र सरकार की मदद से जो है इसको शुरू किया, ये वजूद में आया, 550 करोड़ लगे शुरू में, 72 एकड़ ज़मीन दी गई और 2012 में इसका हॉस्पिटल शुरू हुआ और 2013-14 में हमने बड़े प्रयासों से, और उसमें उस वक्त के केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, उससे मेडिकल काउंसिल से परमिशन लेके हमने इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करी और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारी ही मांग पे सन 2011 में, फरवरी 2011 में हमने मांग करी थी, एक जनसभा करी थी और उसमें इसके नामकरण की मांग करी थी कि एक ऐसी सौगात है मेवात इलाके के लिए और इसका नामकरण हमारे नायक रहे, हमारे जिन पे हमें नाज है, राजा हसन खां मेवाती के नाम पे लिया जाए, और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी मांग का मानते हुए इसका नामकरण किया और हमें फख्र होता था कि एक मेडिकल कॉलेज, एक ऐसी सौगात हमें मिली जिसमें गरीब का, असहाय का, और जो अपने आप को सोचते थे बड़े अस्पतालों में हम उपचार नहीं करा सकते, उपचार शुरू हुए, ओपीडी शुरू हुई, ऑपरेशन शुरू हुए, ब्लड बैंक शुरू हुआ क्योंकि ब्लड बैंक की कमी थी हमारे यहाँ, ब्लड बैंक शुरू हुआ और तमाम सुविधा, उसके लिए अलग से ज़मीन को जो है हमने एक्विजिशन करके, उसकी अधिग्रहण करके उसके लिए अलग से रास्ता बनाया और एक आप समझ सकते हो उस वक्त इतना हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है स्टेट ने करी, उसमें डेंटल कॉलेज भी था, उसमें नर्सिंग कॉलेज भी था, सारी चीज़ों का करा। लेकिन 2014 के बाद आप देखोगे यहाँ से विधायक भी बने दूसरी पार्टी के, लेकिन उनका कभी ये इरादा नहीं रहा कि ये मेडिकल कॉलेज जो है करे। सबसे पहले तो हमने स्पेशल अलाउंस हमारी सरकार ने दिया था कि जो डॉक्टर जो यहाँ कार्यरत हैं, यहाँ विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, आने में थोड़े जो है उनकी झिझक रहती है, उसको स्पेशल अलाउंस दिया था। सबसे पहला काम इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, उस अलाउंस को रोकने का काम किया जिसकी वजह से 2014-15 में 200 के करीब डॉक्टर जो थे, स्पेशलिस्ट जो थे, इस अस्पताल को छोड़ के जाने लगे। जब ही से इसमें गिरावट शुरू हुई, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पिछले जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी कोई तवज्जो नहीं रही। और पिछले 5 साल में तो ये मुद्दा जो है 2014-19 के बीच में यहाँ से जो स्थानीय विधायक थे, उन्होंने इसको ऐसा सोचा कि उसमें बीजेपी के साथ मिली भगत होकर उसकी बर्बाद होए। 2019 में हमने जब विधायक बने, और आप देख सकते हो कोई विधानसभा सत्र, कोई ऐसा मतलब मौका हमने नहीं गंवाया कि जब मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा के लिए और उसके प्रति इनके नज़रिए की पोल ना खोली हो, यहाँ तक भी हमने अपनी जनता के साथ मिलकर एक दिन का तपती गर्मी में धरना दिया था। और धरने में यह चीज का फिर फैसला हुआ कि कम से कम एक्सरे की मशीनें तो आए, अल्ट्रासाउंड तो इनसे आज तक नहीं हुआ, रेडियोलॉजिस्ट इनसे आज तक नहीं हुआ, डॉक्टरों की जो है अलाउंसेस वो शुरू हुए, और अलाउंसेस के बाद फिर उसके जो चीज़ अगर थोड़ा बहुत अस्थाई डायरेक्टर के लिए हमने कितनी बार कहा, और हमने एक विधानसभा सत्र में तो ये कह दिया था अगर आपका नज़रिया इसके प्रति ये है तो इसे बंद कर दो, हमें कोई नहीं है, लेकिन एक
रेफरल हॉस्पिटल बना के एक बड़ी बनाई चीज, एक बाग जो जिसमें इतना बड़ा फुलवारी हो गई थी उसको उजाड़ रहे हैं आप जान करा के सरकार, सिर्फ इस भावना से क्योंकि ये इस इलाके में यहाँ के लोगों को सेवा दे रहा। तो मैं समझता हूँ मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट थी, लोकसभा में भी आप देख सकते हो इसका हुआ, और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इस बात के लिए अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते कि उन्होंने इस बाबत कभी कोई बात उठाई हो। हाँ, वेंटिलेटर जरूर यहाँ से उठवा के जब जरूरत पड़ी कोरोना काल में रवाड़ी के लिए ले गए, ये तो काम किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार की नीति और नियत इसके मामले में स्पष्ट है, और यह आज भी मुद्दा है, और आज हम आपके माध्यम से कह रहे हैं आने वाला विधानसभा चुनाव होगा, यही मेडिकल कॉलेज होगा, और इसी मेडिकल कॉलेज में तमाम तरह की सुविधाएं आम जन को, गरीबों को, और हर एक तरह का डॉक्टर, ये नहीं कि रेफरल हॉस्पिटल बना दिया जाए, चाहे वो हार्ट की बात हो, चाहे नेफ्रोलॉजी की बात हो, चाहे न्यूरोलॉजी की बात हो, चाहे अन्य जो भी स्पेशलिस्ट विंग इस के लिए जरूरत है उनका भी। और हमारा तो ये भी इरादा है कि कैंसर के मरीज इतने बढ़ रहे हैं और हमारे कैंसर के मरीज दिल्ली और जो है झज्जर जाते हैं, हम कैंसर की यूनिट को भी यहाँ लाएं जिससे हमारे यहाँ के इलाके में कैंसर की जो बढ़ोतरी हो रही है उसे करें। तो मैं समझता हूँ कि हमने ये पहले किया भी, उसको कॉलेज को बनाया भी, बनवा के उसको मेडिकल काउंसिल से परमिशन भी ली और उसको पूरी तरीके से फंक्शनल भी किया। मैं समझता हूँ कि हमारे ये एक वादा है यहाँ की जनता से कि हमने जो चीज दी है उसको बेहतर करके देंगे, और इसमें डेंटल कॉलेज भी बनेगा, नर्सिंग कॉलेज भी बनेगा, इसका विस्तार भी होगा, और इसमें बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं जिस चीज के लिए बनी वो, और मेडिकल कॉलेज के नाम जो नाम है शहीद हसन का मेडिकल, उसको फिर से नुमाया करके उसको पूरे जो है पूरी उसके फुल फ्लेज एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह उसको फंक्शनल करने का हमारा पूरा जो है इस प्रतिबद्धता है, हम इस वचन को अपने को निभाएंगे।